जो ये काल के गाल में परीक्षित जी चले जाते हैं, सबसे पहले नंबर आता है भमरे का। अरे कमल कली रही फूली सुगंध ले पवन उदायो की महक भमरा की नासिका तक आ गई। जैसे ही नासिका तक आई, आज तो वो खुशबू को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर पर आ गया जहां वो कमल का पुष्प खिला हुआ था। आज आकर के वो भमरा उसी पुष्प पर बैठ गया, और ये तब तक बैठा रहा जब तक भास्कर भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही नेत्रों को बंद किया, आहा, वो कमल के पुष्प में भमरा भी बंद हो गया। अब तो सोच रहा है भमरा, और परमात्मा कब प्रातः काल होगा, जब भास्कर भगवान अपने नेत्रों को खोलेंगे तब मैं इससे बाहर निकलूंगा, ये कमल खिलेगा। ऐसे ही ये जीव की दशा होती है, तब तक ये माया मोह में लगा रहता है। स्त्री बच्चे धन दौलत इकट्ठा करने में तब तक इसकी मौत की घंटी बज जाती है। अरे भैया, Oh,
काल के काल में जा रहे हैं। अब समझ लीजिए हमारे आपके पांच विषय लगे हुए हैं। देखिए एक विषय लगा हुआ है मछली के, इस मछली की भी एक विषय लगने से ये काल के काल में चली जाती है। ध्यान देंगे, एक नदी की पारी एक मछुआ चली आयो है, और बंसी दी में तार के अपना ध्यान लगायो है। बंसी दी में तार के अपना ध्यान लगायो है, बंसी दी में तार के अपना ध्यान लगायो है। देखे मछुआरा कहते हैं मछली पकड़ने वाले को। आज एक मछुआरा चला जिसने कटिया को हाथ में लिया है, उस कटिया में एक केचुआ को फंसा लिया। जब फंसाया और नदी के किनारे पर पहुंचा, आज उस कटिया को छल के अंदर डाल दिया। फंस गया उसका मुंह उसी कटिया में। इसी तरह से ये जीव लालच में फंसता चला जाता है और अंत में मौत की घंटी बज जाती है। रे भैया अरे कर शिकार किया दिया है। शिकारी सोचने लगा है
ये हिरण बड़ा तीव्र गति से दौड़ने वाला पशु है, इसे मैं पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो जानता है इसे बंसी की मीठी ध्वनि बहुत पसंद है, और जिस इंसान को जो चीज पसंद है वही उसका काल बन जाती है। मौत हो जाती है। अरे सोच कलंदर चलो